हेलो गाइस, मैं सलड़ बेस। आज हम सीखेंगे टू न्यू अमेजिंग वर्ड्स। ओके, ये अमेजिंग वर्ड्स अच्छे शब्द हैं, दो दो रोज याद करो, आपकी वोकल इम्प्रूव होगी। सो फर्स्ट वर्ड इज लेमैन। लेमैन होते हैं वो लोग जो गृहस्थी में पड़ जाते हैं, शादीशुदा के बाद जो परिवार होता है उसमें पड़ जाते हैं, ठीक है, और शादी के बाद ही होता है ऐसा सब। तो ऐसे व्यक्ति जो लेमैन हैं उन्हें बोलेंगे गृहस्थ। एक तो बोलते हैं इज अ मैरिड पर्सन, दूसरों का नाम क्या रख सकते हैं, इज अ लेमैन। Yes, he's a lay person. So, कुछ सेंटेंस देखेंगे हम लोग। मिस्टर अजय राणा इज अ ले मैन। मिस्टर राणा एक ग्रस्त वर्ग से जुड़ गए व्यक्ति हैं, वो एक पारिवारिक व्यक्ति हो गए हैं। आई कैन फील फॉर यू मिस्टर अजय। मिस्टर अजय, मैं आपके दुखों को, परेशानी को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप जो है एक ग्रस्त व्यक्ति हैं। तो फील फॉर होता है किसी के दुखों को समझना, तो आई कैन फील फॉर यू। कभी आप लोग देखते हैं दुखी परेशान तो क्या बोलते हैं आप, मैं आपके दुखों को समझ सकता हूँ, आई कैन फील फॉर यू। कभी कोई व्यक्ति कहता है कैन यू फील फॉर मी, क्या तुम मेरे दुखों को समझ सकते हो। तो ऐसी सेंटेंस है आई कैन फील फॉर यू मिस्टर अजय बिकॉज ही इज अ लेमैन। तो सेंटेंस है यू हैव बीन अ परफेक्ट लेमैन हैविंग बीन मैरिड। शादी बाद तो तुम एक पक्के ग्रस्त व्यक्ति बन गए हो। अ ले मैन बिकम्स वेरी वाइज हैविंग फेस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। एक ग्रस्त आदमी जीवन के बहुत सारे दुखों का सामना कर करके बहुत समझदार हो जाता है। सिंपल सी बात, जितने लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, उन्हें वो शादी के बाद ही हो पाते, क्योंकि शादी बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, इसलिए वो दूसरों को दुख नहीं देते बल्कि दूसरों के दुखों को समझ जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सेंटेंस है कि ले मैन बिकम्स वेरी वाइज हैविंग फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सेकंड वर्ड है, अच्छा वर्ड है, हैप्पी गो लकी, मस्त मौला, हमेशा खुश रहने वाला, ठीक है, एकदम मिलनसार व्यक्ति, दूसरों को खुश करने वाला। इसके सेंटेंसेस हैं आई हैव मैनी हैप्पी गो लकी फ्रेंड्स, जैसे मेरे बहुत सारे मस्त मौला दोस्त हैं, मतलब खुश रहने वाले, चुटकुला सुनाने वाले, हर बात में खुश रहने वाले, जिंदा दिल किस्म के दोस्त मेरे हैं। हैप्पी गो लकी पर्सन आर दोज हु रिमेन हैप्पी डेली एंड एवरी टाइम। क्लियर है ये कि वो लोग जो हैप्पी गो लकी होते हैं वो लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं और हर समय खुश रहते हैं, वो रोज ही खुश रहते हैं और हर समय ही खुश रहते हैं। अजय वॉन्ट्स टू मैरी विद अ हैप्पी गो लकी गॉर्जियस गर्ल। जो अजय है वो एक ऐसी लड़की शादी करना चाहता है जो सुंदर हो, आकर्षक हो और बहुत ज़्यादा कैसी हो, जिंदा दिल हो, यानी खुश दिल की हो। तो कभी हम लोग कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी विद अ गर्ल हु शुड बी हैप्पी गो लकी एज वेल एज गॉर्जियस एंड अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर है ये अच्छा सेंटेंस है, आप कर सकते हैं याद से कि अजय वॉन्ट्स टू मैरी विद अ हैप्पी गो लकी एंड अ गॉर्जियस गर्ल। अजय एक ऐसी लड़की शादी करना चाहता है जो सुंदर हो, आकर्षक हो, खुश दिल की भी हो। यस, तो इस प्रकार से वर्ड मीनिंग आप यूज़ कर सकते हैं, तीन चार एग्जाम्पल को देख के आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है इसे पढ़ना समझना। तो रोज के दो दो अच्छे वर्ड अपने डिक्शनरी में रखिए और उनको बार बार इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों आपको कैसे लगे दो वर्ड्स, बताइएगा इस बारे में, और आगे मैं ऐसे वर्ड देता रहूँगा, अपनी राय जरूर दें, बताएं कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस चैनल को। ओके।